नमस्कार अर्गो सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु सपना आरंभ करबा खबर अभियान पंचभूतरे विलीन हला उत्तर प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को पार्थिव शरीर बुलंदशहर नारोरा गंगाकूल रे कल्याण सिंह को अंतिम संस्कार कर जायछि। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बहु वरिष्ठ बीजेपी नेता शेषकृत्य उपस्थित रही। अलीगढ़ स्थित अहल्या बाई होलकर स्टेडियम स्वर्गत कल्याण सिंह पार्थिव शरीर एक शोभायात्रा 99 वर्ष बयस कल्याण सिंह देहांत गत शनिवार दिन होता। अफगानिस्तान स्थिति ने सर्वदलीय बैठक, अफगानिस्तान प्रसंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वदलीय बैठक डकैवाक निष्पत्ति। केन्द्र वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर सूचना देते यह सर्वदलीय बैठक अगस्ट 26 तारीख सका 11 अनुषित हो। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जा पर आमेरिका, भारत, ब्रिटेन भली अनेक देश सेठे फसी रही निज नागरिक विमान जोगे बाहर करत सेठे फसी रही भारतीय नागरिक बाहर करने को प्रतिदिन काबुल भारत को दुईट विमान आरंभ करने को निष्पत्ति। भारत आश्वासना देखिए अफगानिस्तान में फसी रही हिंदू और शिख छड़ा आवश्यक लोक सा। अफगानिस्तान रे सरकार गठन नहीं तालिबान कसरत चलाइथिबा बेले पंजशीर रे कड़ा विरोध रे सामना को करबाकू पड़ी। पंजशीर रे पहुंची पसिबाकू उद्यम बेले 300 तालिबानी को हत्या करिछंती तालिबान विरोधी। किछि तालिबानी को निज कब्जा रे भी नै जाइथिबा कह जाउछि। पंजशीर अंतर्गत बगलान रो अंचल रे तालिबान को उपरे विरोधी शक्ति बड़ हमला करथिबा सूचना मिलछि। अफगानिस्तान उपराष्ट्रपति अमरउद्दला सालेहक यही हमला नहीं ट्वीट करछंती। पंजशीर रे तालिबान विरोधी शक्तिर नेतृत्व नेउतबा अहमद मसूद कौन भी परिस्थिति रे तालिबानी को से स्वप्न पूरा हेबा को देबेनी बोली कहिछंती। परी हत्या मामला रे आउथरे हाईकोर्ट रे आवेदन करबा को परी बापामा को निर्देश देछंती सुप्रीम कोर्ट। परी को बापा को द्वारा दाखल होइतिबा एसएलपी रो सुनाणी करी आउथरे हाईकोर्ट नुआ करी पिटीशन दायर करबा को निर्देश होइछि। यह मामलें समस्त दिगक निरपेक्ष भाव में विचार करने को हाईकोर्ट को कहते सुप्रीम कोर्ट। आम तो सीबीआई तदंत सुप्रीमकोर्ट जाइल सुप्रीमकोर्ट जब निर्देश देते तुम्हें सानी आवेदन कर हाईकोर्टे आम निश्चय हाईकोर्टे आवेदन करूँ परी को न्याय न मिलला पर्यंत आम संग्राम जारी रेपर्यंत परी की न्याय न मिली से पर्यंत आम लड़े चालू रख जदि कहते आवेदन करने आवेदन करूँ तेणी भगवान को इच्छा ये तो सुप्रीम कोर्ट बहुत लोग वकिल को पैसा दे कि तरफ लड़ापी भी सरकार निजे राज्य सरकार तरफ पैसा दे कि लोक वकिल मान लगे सी कि हाईकोर्टे कौन करेंगे कौन नहीं आम जानू जदि आम प्रकृत घटनाटा जब वकिल ठीक रे कह आम जब ठीक प्रकृत तथ्यटा को देवु निश्चिंत भाव सी आई तदंत हम दोषी मानक निश्चिंत भाव फाँसी दंड दंडित करें आशा रखीचु भगवान भरोसा ये अच्छी देखा जाए भगवान कौन कर। हाईकोर्ट को ऑर्डर जालियाती अभियोग मामला बढ़ला लोकायुक्तों अड़ुआ। लोकायुक्तों विरोध में फौजदारी मामला रुजुपाई आवेदन कले विधायक प्रदीप पाणिग्राही। आईपीसी विभिन्न धारा यहा एक धर्तव्य अपराध तेणु लोकायुक्तों विरोध में फौजदारी मामला रुजुने आवेदन में दर्शाई प्रदीप। प्रदीप पाणिग्राही केस लड़े वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य। एक संवैधानिक कोर्टर अर्डर को जालियाती करपर जड़े आईनजीवी हिसाब से ये मोर कल्पनार बाहर आप देखु 15/4 एसएलपी लोकायुक्त जादियों आईन तो जड़े आडजुडिकेटरी बड़ी निजे पक्षभुक्त होगा कथा नुहे मोकदमारे वी आर नॉट ऑन दैट एस्पेक्ट नाउ बट लोकायुक्त जो ऑर्डर दाखल करिसेंती मान्यवर सुप्रीम कोर्ट को पाखरे गोटे 6 पेजिया ऑर्डर मान्यवर हाईकोर्ट स्पष्ट कर सारे जे ऑर्डर हाईकोर्ट पास करना तेणु सुप्रीम कोर्ट को निकट में जेहेतु मिथ्या सत्यपाठ कर सुप्रीम कोर्ट को विभ्रांत करने लोकायुक्त जो अपचेष्टा करते एक गर्हित फौजदारी अपराध तेणु आज आम आवेदनकारी तरफ जेकि प्रदीप पाणिग्राही सेठी रेस्पोंडेंट तांको तरफरु आमे एक पेटिशन दाखल करिचु जे जेहेतु सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्टर गारिमा उपरे लोकायुक्त कुठारघात करिसेंती तेणु तांको विरुद्ध रे एप्रोप्रिएट फौजदारी मोकदमा रुजु करा जाउ।
जगतसिंहपुर कुजंग रे सरकारी जमी दुर्नीति मामला एही मामला रे आज राज्य रे 9टी स्थान रे चढ़ाव होइथिला। भुवनेश्वर कटक भद्रक जगतसिंहपुर रे रेड करथिला विजिलेंस एथिरे 6 जण को गिरफ करा जाइछि। एथिरे 4 जण पूर्वतन राजस्व अधिकारी थिबा बेले 2 जण ओडिया प्रशासनिक सेवा अधिकारी अछन्ति। एमानक डाक्टरी मायना करा जाय कोर्ट चालन करा जिवो। घसीपुरा ब्लॉक कार्यालय परिसर रे पीओ को माड़ घटना। घसीपुरा विधायक बद्री नारायण पात्रों पुत्र देवाशीष पात्रों को केबे गिरफ करिवो पुलिस एही दाबी रे बीजेपी पक्षरु घसीपुरा थाना सम्मुख रे प्राय 2 घंटा धरी धारणा दिया जायतिला। गत 17 तारीख रे घसीपुरा ब्लॉक कार्यालय परिसर रे पीओ रामचंद्र नायक को आक्रमण होइतिबा अभिजोग घसीपुरा पुलिस सरपंचों स्वामी सुरेंद्र भुइयां को गिरफ करी कोर्ट चालन करिछि। देवाशीष को गिरफ करने पर पुलिस प्रतिश्रुति देवापे आंदोलन प्रत्याहत होता। भद्रक जाजपुर राज्य जिला बीजेपी मरुड़ी स्थिति पर राज्य सरकार को दायी कर दल प्रेसमिट कर राज्य सभापति समीर महांती अभियोग आनी राज्य में स्वल्प वर्षा होता 25 जिलूर 5 जिले में मरुड़ी उत्कट रूप धारण कर सरकार चुप। 2014-2019 सरकार दल निर्वाचन इस्तेहार 10 लाख हेक्टर को जलसेचन करने को प्रतिश्रुति देते भी यह पूरण करना। राज्य में बृहत मध्यम और क्षुद्र जलसेचन प्रकल्पर वास्तवतार तथ्य मध्य रखी सरकार को निशाना करिछंती बीजेपी सभापति समीर महांती। विधानसभा रे जल संपद मंत्री देइथिबा उत्तर को आधार करी बीजेपी अभियोग करिछि 2014-2019 10 लाख हेक्टर जलसेचन प्रतिश्रुति मात्र 18,350 हेक्टर जमी जलसेचित होइछि। संभाव्य मरुड़ी परिस्थिति रे मुकाबला पई एक टास्कफोर्स गठन पई प्रस्ताव देइछंती बीजेपी राज्य सभापति। तेबे कम वर्षा होइथिबा जिले रे तुरंत स्थिति अनुध्यान पई बीजेपी 4टी टीम गठन करिछि। बसंत पंडा मनमोहन सामल मोहन माझी प्रदीप पुरोहित एही 4 कमिटीर मुख्य रहिबे। एमाने विभिन्न जिला गस्त करी राज्य कमिटी को रिपोर्ट देबे एवं आउ 20टी जिले रे ए स्वल्प वृष्टि जनित व्यापक अंचल मरुड़ी स्थिति अछि। ए सब खबर चाषी मानकर ए जो मरुड़ी स्थिति मुख्यमंत्री पाखरे ये खबर अछि तो केवल प्रचार सर्वस्व इरिगेशन से जलसेचन प्रोजेक्टर कथा हो मेगा लिफ्ट इरिगेशन कथा हो केवल प्रचार मरुड़ी अंचल को ए कमिटी गस्त करी यथाशीघ्र राज्य कमिटी को एक रिपोर्ट प्रदान करिवे आमे आमर कार्यक्रम स्थिर करिछु। तापरे ए रिपोर्ट आसला परे कौ भली भाव रे चासी कुल को साहाय्य करिहब से विषय रे आमे राजनीतिक खसड़ा प्रस्तुत करिबु। कुकुर पाटी मृत शिशुर मुंड ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल परिसर रे कुकुर एक मल्ला शिशुर मुंड को नहीं जाउथुबा देखिबा को मिलछि। मेडिकल परिसर पीजी हॉस्टल निकट दे जाइथिबा नाळरु एक मल्ला कटा मुंड को नहीं एक कुकुर जाउथुबा देखा जाइथिला। कुकुरटी नाळरु धरी ताहाकु निकटस्थ एक बुद्धारे पकाइथिला परे ताहा नाळरे भासुथुबा देखा जाइथिला। मुंडटी नवजातर बोली जणा पडिछि। बारंबार मेडिकल परिसर रे एभली नवजात शिशुंक शव मिलुथुबा नजर को आसछि। स्वाधीनतार 75 वर्ष पर भी गांव को नहीं भल रास्ता जातायात में नानादि समस्या भोगुंट लोके। अनुगुल जिला आठमल्लिक ब्लक सानहुला पंचायत सिंदूरखोल गाँ रास्तार दूरावस्था गाँव में 2000 अधिक लोक रोकता बेले एजाए गांव को होपार पक्का रास्ता विशेषकर बर्षा दिने एक प्रकार विच्छिन्नांचल दुख भोग पड़ी ग्रामवासी को माटी रास्तार स्थाने स्थाने बड़ बड़ खाल खमा जो से पा भरी रही जरूरी परिस्थिति रे गांव को आसी पारुनी आंबुलांस की दमकल गाड़ी रास्ता समस्या नहीं बारंबार अभियोग कले कौन सुफल मिलूना एने आठमल्लिक उपजिला विडीओ को यथाशीघ्र रास्ता निर्माण पर निर्देश दिया जिवो। जन्म 35-36 वर्ष होला रास्ता खंड आज्ञा हो पारानी केबे कलेक्टर को जनईजु विडीओ को जनईजु एमएल को जनईजु पूर्वतन एमएल को जनईजु कहीं आम गाँव प्रति ध्यान दे 90% फुट आम बीजेडी की जाऊँ किंतु रास्ता खंडे हो पाला ना आम गाँव को रास्ता घाट ना 20 वर्ष होलाने आम बहुत असुविधा जाऊ 4 किलोमीटर बाट गले पिचु रोड को जाऊ छुआ मैंने स्कूल को भी पढ़ी जाई पार ना आंबुलांस भी गाँव को जोर मुंडबत हेल्ले भारी असुविधा आसुनी आंबुलांस आसुनी भारी हईरा आम हो 4 मास वर्षा हेल्ले ठीक से जाई होनी 108 कि 102 आस बहुत असुविधा हो
आउ पेशेंट किसी जदि कारण देह खराब है लोक मान बही ना पड़ू एमती बहुत तो असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ू सानुला पाखर चंद्रकूल पर्यंत तीन किलोमीटर तार जो दूरता से बहुत अति शोचन अवस्था अच्छी जीवासवायत बहुत असुविधा होकर जो आसी डेभांस निर्देश दबू से रास्ता को अति शीघ्र मरामति कर वर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय होछि एक छोटो ब्रेक रो ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत सेप्टेम्बर में आसीपे तृतीय लहर अक्टोबर में पिक नहीं पारे कोरोना संक्रमण पिक पीरियड रे शिशु मानकर होई पारे हॉस्पिटलाइजेशन 123 जन शिशु को जीवाकु पड़ी पारे डाक्टरखाना एनी सूचना देछंती स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र वर्तमान राज्य में शिशु हॉस्पिटलाइजेशन संख्या अधिक ना 12-13% रही शिशु संक्रमण हार सब कोविड हॉस्पिटल शिशु मानक स्वतंत्र प्रावधान हो स्वास्थ्य निर्देशक नीति आयोगों पर कोरोना तृतीय लहर नहीं सतर्क कराइले डीएमईटी सीबीके महांती तृतीय लहर आसिले पिलामानों पर विपद थिबा से सतर्क कराई सेप्टेम्बर किंबा अक्टोबर में तृतीय लहर आसिबार संभावना रही समय देश में दैनिक संक्रमण 4 लाख छुईपे एभली स्थित हेले ओडिशा रे दैनिक संक्रमण 14,000 पार करिवो बोली आशंका रही तेणु पूर्वरु आमको सतर्क रहिबाकु पड़िबो बोली परामर्श देछंती डीएमईटी तृतीय लहर पर अधिक प्रस्तुत थिबा सह छुआ मानक पय समस्त व्यवस्था करा जायथिबा से कहिछंती हमर नेक्स्ट लहरी रे आमे त आशा करिवा बेसी परिमाण ने पिला माने एब्सोल्युट नंबर रे अधिक हेबे काई कि ना एडल्ट माने ग्रेजुअली इम्यूनाइट हे जाउछंती बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन और प्रीवियस इन्फेक्शन तेणु शिशु मानकर परसेंटेजटा निश्चित भाव अधिका हम जदि भी तृतीय लहरी आसे आपण मैंने जानते गत काली जहाँ भी नीति आयोग कही सेप्टेम्बर अक्टोबर मसरे प्राय 4 लाख पाखापाखी दैनिक पहुँचव से कौ सूत्र आधार कही तो कहीपरिनी जेहेतु से मैंने एक्सपर्ट कमिटी कही तेणु बर्तमान आमको प्रस्तुत रहा पड़ो आज्ञा देखु ओडार लोकसंख्या भारत लोकसंख्यार के 3.6% जदि 4 लाख ओडिशा रे आम एक्सपेक्ट करवा पिक बेले अराउंड 14,400 आसवे तेणु से अनुसार सी भी जहाँ कहते आपड़ देखते आईसीयू बेड के दरकार पड़ो भेन्टिलेटर 2.2% तामें दैनिक प्राय 70 दरकार है गोटे पेसेंट 10 दिन रहे तो 700 दरकार तेरे से अनुसार देखते सरकार आगर ताटू बहुत अधिक परिमाण प्रस्तुत अच्छा राज्य में कमी कोरोना आक्रांतों संख्या हेले मृत्यु रे लागुनी ब्रेक 24 घंटे 761 जन कोविड आक्रांत चिन्हट होती पुणी 68 जन प्राण नहीं कोरोना यह मिशाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 7,426 को वृद्धि पाई मृतकों मध्य कटकु 17 और जगत सिंहपुर जिलूर 15 जन आक्रांत रही राज्य में एवं भी 8,917 आक्टिव केस रही सेपटे कोरोना को हराई सुस्थ हेले 9,85,302 जन मयूरभंज झारपोखरिया थाना सारसकणा बजार अंचल रे पिला चोरी अभियोग गतकाली दानादर गांव मालती दिगार को एक मासर शिशुपुत्र को सारसकणार तपन दंडापाठ छड़ाई नहीं अभियोग परे शिशुपुत्र को किछि टंकारे सारसकणा अंचल प्रहलाद प्रतिहारी और तांको पत्नी को बिक्री करथिला एने थाना रे एतला देबा परे शिशुपुत्र को उद्धार करबा सह 3 जन अभियुक्त को गिरफ्त करी कोर्ट चालन करिछि पुलिस सुंदरगढ़ जिला राजगांगपुर कुकुड़ा ग्राम पंचायत हेबाकु थिबा डालमालिया सीमेंट खणी संप्रसारण को विरोध एहाकु नै मुहांमुही होइछन्ति प्रशासनिक अधिकारी और कुकुड़ा पंचायतवासी उत्त्यक्त लोके पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी को रास्ता उपरे 2 घंटा अटक रखिथिले परिस्थिति नियंत्रण पई अंचल रे पुलिस मुतयन करा जायछि उत्कल विश्वविद्यालय रे सेमिस्टर परीक्षा को नै छात्र छात्रीक प्रतिवाद कुलपति ऑफिस घेरिले आईन छात्र छात्री 6 मास मध्य 4 सेमिस्टर परीक्षा को विरोध करी भिसी ऑफिस घेराव करिछन्ति मधुसूदन कैपिटल दि ल कॉलेज और बाणीबिहार ल कॉलेज रो छात्र छात्री हाईकोर्ट को निर्देश मानी बार काउंसिल नियम अनुसार प्रमोशन करने को दावी करिछन्ति छात्र छात्री
ନହେଲେ ସେମିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ ସମବାୟ ମହାସ୍କାମରେ ଗିରଫଦାରୀ ଋଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଗୁରୁଡିଝାଟିଆ ପୁଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୋସାଇଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ, କ୍ୟାସିୟର, ବ୍ଲକ ସୁପରଭାଇଜର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓ ପିଅନ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଅନ୍ନଦାତା। ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଋଣ କେଳେଙ୍କାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହ ଠକେଇ ଓ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଜାଲିଆତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ମହାପ୍ରୟାଣ ଯୋଜନା ଫେଲ୍, ନବଜାତ ଶିଶୁର ମୃତଦେହ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ଗାଡ଼ି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାପା ମା, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆସିକା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ। ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁସୁମ ଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର ମୁରଲୀ ନାୟକ ଓ କଳ୍ପନା ନାୟକଙ୍କର ଶିଶୁକୁ ଆସିକା ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୃତ ଶିଶୁକୁ ନେବାକୁ ମିଳିଲାନି ମହାପ୍ରୟାଣ ଗାଡ଼ି। ଏପରିକି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି। ମାତ୍ର ବାପା ମା ନିଜର ଅସହାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମୃତ ଶିଶୁକୁ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀ ବାଲିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦୀପୁ ଓମ୍ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଧଳ ସାମନ୍ତର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଓରଫ ଦିଲ୍ଲୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଫେରାର ଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ, 6 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। 2016 ଦୀପୁ ଓମ୍ଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଓ ତାର ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମରୁଡ଼ି ଘୋଷଣା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି। ଏହି ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରିବା ସହ 11 ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଲୋଇସିଂହା ବିଧାୟକ ମୁକେଶ ସାହାଲିଙ୍ଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍କଟ ରୂପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପି ତରଫରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆ ଥାନା ମାର୍କୋଣାଠାରେ ଥିବା ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଚଢ଼ାଉ। ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାର ରମେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଫିସରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଆଜି ସିମୁଳିଆ ଥାନା ପାଟୁଳି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଓ ତାଙ୍କ ଭଣଜା କରିଥିବା ମେଡିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଭଣଜାଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ହୋଇଛି। ପିପିଲିରେ ବେଆଇନ ନୂଆ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ବିରୋଧ କଲା ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ। ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିପିଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ଦେବାଳୟରେ ଅତି ନିକଟରେ ଏହି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜାତୀୟ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମାଇନରିଟି ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ମଦ ବେପାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଚାଲିଛି, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଟିକେ ନଜର ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ନୂତନ ମଦ ଦୋକାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପିପିଲିଠାରେ, ତାହା ସବୁ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ହେଉଛି, ପାଖରେ ଜବାହର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଅଛି, ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଟି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଯଦି କରିବେ 500 ମିଟର ଦୂରରୁ ଛାଡ଼ିକି କରିବେ। ତେଣୁକରି ଏ ମଦ ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ କରାଯାଉଛି, ରୋଡ୍ ଦାଢ଼ୁକୁ ଲାଗି କରାଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ଆଜି ଆମର ସଂଗଠନ ପିପିଲି ଏସ୍ଟିପିଓଙ୍କୁ ଆସି ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୁରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ମଦ ବେପାରୀ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଜିର ସଂଗଠନର ରାଲି ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ମଦ ବେପାରୀ ଓ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚେତେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସଂଗଠନର ରାଲି ଦ୍ୱାରା ଯେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମଦ ଆଉ ଚରସ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରକୁ ନେଇକରି ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଲୋକ ହଣା ହୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ବହୁତ ହଣା ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜଧାନୀ ହୋଇଛି, ଡକାୟତ ହୋଇଛି, ତାପରେ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ିବାର ଲାଗିଛି, ମର୍ଡ଼ର ବି ହୋଇଛି, ତ୍ରିପୁଲ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ କଥା ସେଇଟା ବି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂଗଠନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ମଦ ବିକିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଗ ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ର।
ब्रेक परे स्वागत। राजधानी भुवनेश्वर दुरावस्था नहीं राजरास्ता को ओल्हला भुवनेश्वर जिला बीजेपी। देशर एक नंबर स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर गली कंदी रास्तार शोचनीय अवस्था और ड्रेनेज समस्या समाधान दाबी रे बीजेपी भुवनेश्वर जिला सभापति बाबू सिंह नेतृत्व में शह शह बीजेपी कर्मी जयदेव बिहार छकरु शोभायात्रा रे बाहरी मेफेयर छक जाए चली चली विक्षोभ प्रदर्शन कर पूर्व शत्रुता को केन्द्र कर गोटे पर चारिजण को छुरामाड़ पर अभियुक्त फेरार झारसुगुड़ा जिला ब्रजराज नगर ओरिएंट थाना शास्त्री नगर झुपुड़ी पड़ारे घटी एभली घटना। समस्त आहतों को मंडलिया स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाई छी। ओरिएंट थाना ब्रजराज नगर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर पुलिस निष्क्रियता अभियोग नहीं उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें महिला अनशन। केन्दुझर मधुपुर गांव जने महिला स्थानीय आईडीपुर गांव जने व्यक्ति अश्लील व्यवहार करथिबा नै गत 11 तारिखर अभियोग होइथिले मध्य पुलिस निष्क्रियता को नहीं आज महिला जनक आनंदपुर उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें धारणा देछंती। निर्यातना सहि नपारि आत्महत्या उद्यम बेले उद्धार केन्द्रापड़ा गरापुर शोभनीय महिला आवासिक शिक्षा समय शिक्षयत्री परंती लेंका से ही विद्यालय सरकारी शिक्षयत्री निर्यातन शिकार हो सोमवार अपराह में आत्महत्या उद्यम कर उद्धार कर स्थानीय लोके। कलाहांडी जिला दक्षिण बनघंट लांजीगढ़ ब्लॉक विश्वनाथपुर रेंज अंचल छाती उपद्रव। लांजीगढ़ ब्लॉक सिकेर कृपा पांडी अंतर्गत आमझिरी ग्राम से हाथी आक्रमण में वृद्ध गुरुतर गुरुतर 61 वर्षीय रंजन माझी आज गाँ मुंडे चाष जमी को जाता बेले हाथी आक्रमण शिकार होती वृद्ध गुरुतर को नरला मेडिकल रे भर्ती करा जाई छी। कोरापुट कोटपाड़ वनांचल कॉलेज पछपटे जंगल मोरम चोराचालाण बेले गोटे जेसीबी दुईट ट्राक्टर जबत कर चोराचालाण बेले राति गाड़ी जबत करने सहित तीन जन को गिरफ्त कर पुलिस। बालेश्वर जिला तथा नीलगिरी कोरोना पर बंद समस्त धर्मानुष्ठान सर्वसाधारण खोल जाइए। बालेश्वर जिलापाल के सुदर्शन चक्रवर्ती राज्य सरकार निर्देश क्रमे जिलार आज समस्त धर्मानुष्ठान खोल को अनुमति प्रदान कर। टोकियो आरंभ हो पारा ओलंपिक तेरे अवसर में पूरी युव चित्रशिल्पी विश्वजित नायक आइसक्रीम काठी में ओलंपिक स्टेडियम तैयारी करी भारतीय टीम को शुभेच्छा जणाइछंती। पारा ओलंपिक रे मध्य भारत भल प्रदर्शन करू ओ अनेक मेडल जितू बोली तांकर शुभेच्छा वार्ता रहिछि। 775 आइसक्रीम काठी रे दुई दिन लागी विश्वजित एही नियारा कलाकृति टी करिछंती। नीलगिरी ओडिया जवान को वीडियो वायरल परे जवान को परिवार को भेटिले नीलगिरी उपजिलापाल हरिश्चंद्र जेना। जम्मू काश्मीर बोर्ड में नियोजित ओडिया जवान को परिवार को न्याय नपाई दुख भरा कहानी सोशल मीडिया रे वायरल करथिले। आज नीलगिरी उपजिलापाल हरिश्चंद्र जेना जवान को परिवार और पड़ोसी को भेटी घर बाड़ी जगार आपोस बुझामणा करी समस्यार स्थायी समाधान पाई निर्देश देछंती। वर्तमान अर्ग सुपरफास्ट समय सरी विदाय दिंतु। नमस्कार।